एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे शैम्पू जो मैं यूज कर रही हूं, यूज कर चुकी हूं या फिर यूज करने के बाद मैं उनको थ्रो भी कर चुकी हूं। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ अपना कहना चाहिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं कि मुझे ये शैम्पूज कैसे लगे हैं। इनकेस आप उनको बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि कौन सा शैम्पू किस तरह का रिजल्ट देता है, यही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके पास एक बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा, आईडीज आपको सारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर और आप लाइक कर सकते हैं मेरा एफबी पेज। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर फर्स्ट शैम्पू है मेरा लॉयल का ड्रीम लैंड शैम्पू। इसका रिव्यू डिटेल्ड मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस शैम्पू ने स्टार्टिंग में काफी अच्छा वर्क किया था, बट अगर मानसून सीजन की मैं बात करूं तो इसने कोई वर्क नहीं किया, ना ही हेयर फॉल के ऊपर, ना ही बालों को इतना अच्छे से क्लीन करता है और ज्यादा इसने ड्राई बना दिए हैं। तो आई थिंक ये शैम्पू आप विंटर्स में यूज करेंगे तो ज्यादा आपको फायदे देगा, बाकी ये गर्मियों के लिए और ये मानसून सीजन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस शैम्पू को मुझे नहीं लगता कि मैं इसको दोबारा परचेज करने वाली हूं, क्योंकि ये शैम्पू सिर्फ विंटर्स में ही चल जाएगा, बाकी उसके अलावा ये और आपकी कोई प्रॉब्लम को हेल्प नहीं करेगा। आपको सिर्फ ये आपको लेंथ पे ही, मुझे ऐसा नहीं लगा है कि इसने बहुत लेंथ पे वर्क किया है या फिर कुछ कहना चाहिए स्प्लिट एंड्स वगैरह को मिटा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ओके शैम्पू है, मतलब ठीक है, बस आप इसे हेयर वॉश कर लीजिए, बाकी मानसून सीजन के लिए आप इसको ना परचेज करें, मैं तो आपको यही बोलूंगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये। एंड सेकेंड जो शैम्पू है वो है खादी नेचुरल्स का ये सेफ्रोन तुलसी एंड रीटा शैम्पू। ये वन ऑफ द वर्स्ट शैम्पू है जो मैंने अभी तक बाय किया है। आप देख सकते हैं कि मैं हाफ यूज कर चुकी हूँ और कई बार मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि ये शैम्पू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा जो हेयर फॉल की जो सेवियर प्रॉब्लम हो गई थी वो इसी की देन है। इसी की वजह से मुझे इतने ज्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे और बहुत मुश्किल से क्योर हो रहे हैं। तो इस शैम्पू को तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, अगर आपको ये सूट कर रहा है या फिर आप इसको यूज कर रहे हैं देन वो आपकी मर्जी है, बट मैं अपनी तरफ से आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस शैम्पू को बाय करें, क्योंकि ये शैम्पू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। नेक्स्ट शैम्पू है वो है लॉरियल का हेयर फॉल रेसिस्ट शैम्पू। ये वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये मेरी इस सीजन में हेयर फॉल होने के बाद फर्स्ट बॉटल है और इसने मेरी प्रॉब्लम को 70% तक इसने सॉल्व कर दिया है। अब मुझे हेयर फॉल, मैं ये कह सकती हूँ 100 में से सिर्फ 30% ही रह गया है। ये काफी अच्छा शैम्पू है, जब भी मुझे हेयर फॉल होता है मैं इसी शैम्पू की तरफ भागती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कई शैम्पूज यूज कर लिए हैं लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो एट लास्ट मुझे इसी पे आके रुकना था। तो ये शैम्पू काफी अच्छा है, अगर आपने इसको यूज नहीं किया है हेयर फॉल होने पे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आता है, आपको डैंड्रफ है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत अच्छा शैम्पू है। जितने भी शैम्पूज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिनके ऊपर मैंने वीडियोस की हुई है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे लिंक्स। आप इनकेस आप बाय करना चाहते हैं या आपको वो सूट करते हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं, इनकेस आपको लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट है ये हर्बल एसेंस का व्हाइट स्ट्रॉबेरी एंड स्वीट मिंट शैम्पू। आप देख सकते हैं मैं इसको इतना यूज कर चुकी हूं और इस शैम्पू को भी मैं बोलूंगी ये बस ओके शैम्पू है। ये भी कोई मुझे इतना ज्यादा मेरे बालों पे इसने वर्क नहीं किया है, तो ये शैम्पू मुझे इतना पसंद नहीं आया है। इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, फॉर्मूला अच्छा है, बालों को अच्छे से साफ कर देता है, बट मुझे इस शैम्पू में एक प्रॉब्लम ये लगी है कि ये बालों को एक्स्ट्रा ड्राई बना देता है, मतलब बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई आपके हो जाते हैं। तो जिनके बाल अभी टूट रहे हैं उनके बाल और ज्यादा अगर ड्राई हो जाएंगे तो वो और ज्यादा टूटेंगे, तो ये बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। तो ये मानसून में जब इतना ड्राई कर रहा है तो विंटर्स में तो क्या हाल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये शैम्पू किसी भी ऑयली स्कैल्प पे या ड्राई स्कैल्प पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा ये शैम्पू। और मैंने गूगल किया था तो मैंने ये चीज देखी है कि जो मिंट होता है ये हेयर फॉल को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो मैंने भी करंटली तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बॉटल है और ये 620 रुपीज का आता है, ये कोई इसकी प्राइसिंग कम भी नहीं है। तो अब मुझे बस ये लग रहा है कि मैंने ये परचेज कर लिया है और ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी इसको किसी को यूज नहीं करने देती हूँ कि कभी उनको भी ना हेयर फॉल बढ़ जाए। तो ये प्रोडक्ट भी मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी है। तो इस प्रोडक्ट को तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, इसकी अदर रेंज जो है वो मैंने सुनी है कि काफी अच्छी है, बट मेरे बालों के लिए मुझे यही शैम्पू सही लगा था। आई मीन इसी में लिखा हुआ था कि ये बालों को थोड़ा सा बाउंसी बना देता है, मेरे हेयर ऑयली है तो मैंने इसीलिए इसको बाय किया था। बाकी इसकी और जो शैम्पूज है वो मेरे बालों के लिए नहीं है और ये मुझे सूट नहीं किया है, तो इसको मैं किसी अलग तरीके से मैं इसको यूज कर लूंगी किसी भी चीज में,
जैसे कि मैनिक्योर पेडिक्योर या फिर शेविंग वगैरह में मैं इसको यूज कर लूंगी। बाकी इसको हेयर्स पे यूज करने का तो मैं अब नहीं सोचूंगी, क्योंकि इसने भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल को बढ़ा दिया था, क्योंकि ये बालों को ड्राई बना देता है, इस वजह से भी बाल थोड़े एक्स्ट्रा टूटते हैं। साफ कर देगा लेकिन बालों को बहुत ज्यादा ड्राई बना देगा। तो अगर आप ड्राई आपके हेयर हैं तो आप प्लीज इसे परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि इस रेंज में ये शैम्पू आपके बालों के लिए नहीं है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये सनसिल्क का शैम्पू। आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैं यूज कर चुकी हूं, अब मैं उनको नहीं मंगा रही हूं, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग जानते हैं मैं नई नई चीजें यूज करती रहती हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूं। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें मंगाऊं और फिर नई चीजें मंगाऊं तो इतनी चीजों का मैं करूंगी क्या। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट अच्छे होते हैं ना, मैं उनको एक दो अपने पास स्पेयर में रखती हूँ, अपने पास उनको एम्प्टी रखती हूँ, सो दैट के मैं आपको बता सकूं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, या फिर मुझे आपको दिखाना हो कोई अच्छा प्रोडक्ट और जो मैं पास्ट में यूज कर चुकी हूँ वो अच्छा था, तो मैं इसलिए उसको थोड़ा सा रखती हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये एम्प्टी है, और ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके अगर ऑयली हेयर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों को बाउंसी बना देगा और आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है। तो ये शैम्पू अच्छा है, अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ये काफी बजट फ्रेंडली भी है, ये बहुत कम रेंज में, ये वाली बोतल आप देख रहे हैं कि 99 रुपीज में आ जाती है, और एक इससे बड़ी बोतल भी आती है वो भी आपको अंडर 200 आपको मिल जाएगी। तो इस शैम्पू को आप चाहें तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप ऑयली स्कैल्प है आपका तो ही आप इसको बाय करें। ड्राई स्कैल्प के जो लोग हैं वो उसको बाय ना करें, ये आपके स्कैल्प को और ज्यादा ड्राई बना देगा। ये बालों को साफ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बालों को ना बहुत ज्यादा ड्राई बना देगा, खिले खिले हो जाते हैं आपके बाल, बाउंसी हो जाते हैं। तो अच्छा शैम्पू है ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये सेंट बोटेनिका का मोरक्कन आर्गन शैम्पू। ये भी शैम्पू बहुत अच्छा है, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, ड्राई भी नहीं करता है, कोई डैंड्रफ नहीं आएगा, कोई हेयर फॉल नहीं होगा। ये शैम्पू काफी अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। आप किसी भी स्कैल्प के हैं, आपका स्कैल्प टाइप जो भी हो, आपको ये सूट करेगा, चाहे आपका ऑयली हेयर हो चाहे आपका ड्राई हेयर हो, ये आपके स्कैल्प को सूट करेगा। काफी अच्छा शैम्पू, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है इसके अंदर पंप आता है, तो आप इजीली आपने शैम्पू को आप यूज कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और फिर सबसे अच्छी बात होती है कि आपको पता भी चल जाता है कि आपको कितने पंप लेना है, तो आप चीज की वेस्टेज नहीं होती है। मुझे पंप पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है, तो चाहे तो आप इसे ही परचेज कर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशनर भी आता है, वो भी काफी अच्छा है, उसकी काफी यूज बोतल थी, वो मेरी अभी तक चल रही है, बट ये मेरा एम्प्टी हो चुका है, लेकिन ये शैम्पू बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे शैम्पू शेयर कर देती हूँ जो करंटली मेरे पास नहीं है, मैं उनको थ्रो कर चुकी हूँ, बट वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट शैम्पू दिखाई दे रहा है वो है ब्लॉसम कोचर का, और ये शैम्पू वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। मतलब मेरे बालों पर तो इसने बहुत अच्छा वर्क किया है, और मैंने इसको कई बार, आई थिंक मैंने इसको 4-5 बार मैंने इसको मंगाया है, मैंने इसको यूज किया है। रिसेंटली मैं इसको बाय नहीं किया है मैंने इसको, क्योंकि मैं कुछ नई चीजें यूज करती हूँ तो फिर पुरानी चीजें नहीं मंगाती हूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में मेरा क्या होता है, बीच बीच में मैं उनको मंगाती रहती हूँ। लेकिन ये शैम्पू बहुत अच्छा है, अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके बालों को बहुत अच्छे साफ कर देगा, प्लस अगर आप कहीं जा रहे हैं और उस दिन आप इसे हेयर वॉश करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल लगेंगे और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बहुत अच्छा शैम्पू है ये। और नेक्स्ट है यहाँ पे बायोटिका बायो कैल्प शैम्पू। इस शैम्पू को तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, ये शैम्पू बहुत ही ज्यादा बेकार है, आपको बहुत ज्यादा सेवियर प्रॉब्लम हो जाएगी हेयर फॉल की, हेयर डैंड्रफ की। और मुझे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उन लोगों ने मतलब उससे पूछा है शैम्पू कैसा है, मैंने किसी को ये रेकमेंड नहीं किया है, प्लस मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये भी बोला है कि ये शैम्पू सच में बेकार है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही कह रही हूँ, जनता भी कहती है कि शैम्पू अच्छा नहीं है। तो आप प्लीज इस शैम्पू को भी बिल्कुल बाय ना करें, मुझे मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल ना है, आपकी मर्जी है, बाकी आप खरीदना चाहें। तो यही थे कुछ शैम्पू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लस एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि आप इनको लेने के लिए कोई प्रेशर है आपके ऊपर या ना लेने के लिए प्रेशर है, आपका जो मन करे आप कीजिए। अगर आपको सूट करते हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं, अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो प्लीज आप इनसे दूर रहिएगा, या फिर आप इनको लेने का सोच रहे हैं और आपका स्कैल्प टाइप मेरे वाला है, जैसे कि मेरा ऑयली स्कैल्प है, मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा थिन है, मेरे हेयर जो है वो इतने ज्यादा बारीक है कि धोने के बाद तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिल जाते हैं, लेकिन मेरे हेयर्स को मुझे ऑल्टरनेट डे से वॉश करना पड़ता है क्योंकि काफी ऑयली स्कैल्प है मेरा। तो आप इस स्किन स्कैल्प टाइप के हैं तो आप प्लीज ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा, तो आप बेनिफिट में रहेंगे, आपका फायदा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, मैंने पहले भी आपको बोला है प्लीज फॉलो कीजिए, आपको आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।